हाँ जी, आज हम सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ, स्टैट्स और रीजनिंग की रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जब लॉ का पेपर आज अटेम्प्ट करके आए हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आके पेपर को बार बार देख के मैच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने लॉ का पेपर दे दिया है, अब आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, पिछले पेपर को छोड़ दें। अपना जो रिवीजन है वो हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप अपना रिवीजन जब भी आप घर पे पहुंचे अकॉर्डिंगली, हमने 7 बजे के टाइमिंग के हिसाब से अपना रिवीजन शुरू करना है। इस रिवीजन को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे जो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। जैसे ही आप एग्जाम दे के आते हैं तो सबसे पहले आपको लाइट चैप्टर लेने हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी आपकी पहले से होती है और ज्यादा उसमें कॉन्सेप्चुअल आपको डीप में नहीं जाना होता। तो जो पेपर वन है, जो आपका पार्ट वन है रिवीजन का, उसमें सबसे पहले आप टॉपिक लेंगे स्टैटिस्टिक्स से, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं और कम टाइम में वो ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आपको जो पहला रिवीजन स्टार्ट करना है वो ऐसा करना है कि कम टाइम में ज्यादा चैप्टर कवर हो जाए, वो आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस देता है। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम बात करेंगे डिस्पर्जन, नेक्स्ट होगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और लास्ट में हम करेंगे इंडेक्स नंबर। आप जैसा देख रहे हैं टोटल 4 चैप्टर्स हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैं मैक्सिमम टाइम जो लेना है वो 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे के अंदर हमें ये रिवीजन कंप्लीट करना है। हमारे माइंड में टाइम होगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली टाइम पे कोशिश करेंगे कवर करने की। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है वो मैनेजेबल है, पर आप कोशिश करें कि 4 से 5 घंटे के बीच में आप इसको कवर कर लें। जब हम इसको रिवीजन करें तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम ओवर ना पढ़े और टाइम वेस्ट ना करें। तो रिवीजन हमें कहाँ से करना है, सबसे पहले आप अपना स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशंस, जो आपको इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन दे रखे हैं आपकी बुक में, प्लस उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको सेट बना के, सेट ए, सेट बी और सेट सी, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप सेट सी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको क्लास के दौरान आपने जो पढ़ाई की है बताए गए होंगे कि सेट सी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं को अटेम्प्ट करें। इलस्ट्रेशन एक भी ना छोड़े, सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पूरा कर लें, आप नेक्स्ट चलेंगे मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स आप तब करेंगे जब आप अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये आपको कंप्लीट रिवीजन होने के बाद करना है। जैसा हमने कहा कि आपने अपनी पढ़ाई को 7 बजे शुरू किया, तो आज सोने से पहले आपने इफेक्टिवली 11 और 12 के बीच में अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे, जब आप अपनी पढ़ाई मॉर्निंग में शुरू करेंगे, जो भी आपका रूटीन है पढ़ने का अर्ली मॉर्निंग, और जैसे आपने कहा 4 बजे 5 बजे, जैसा भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग शुरू करेंगे और नेक्स्ट 4 आवर्स की इफेक्टिव सिटिंग लगाएंगे कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर सकें। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 के अंदर हमने मैथमेटिक्स के ज्यादा पोर्शन रखे हैं जिसमें जो ज्यादा कम टाइम में भी कवर होंगे और आपके पास इनको पहले से, क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, तो कम टाइम में रिवीजन होगा। उसमें सबसे पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, एपी एंड जीपी एंड देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर्स लिए गए हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा लेंदी चैप्टर है। तो इसके लिए हम 4 से 5 घंटे के अंदर इसको भी टारगेट करेंगे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हमारे स्मॉल चैप्टर्स में आते हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो कोशिश रहेगी हमारी 4 से 5 घंटे में हम इसको कवर अप कर लें। नेक्स्ट, आप जो भी ब्रेक लेके, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लेके अपना नेक्स्ट सिटिंग लगानी शुरू करेंगे, और अगेन आप 3 से 4 घंटे 2 या 3 बजे तक आप अपने पास कोशिश करेंगे कि हम थर्ड पार्ट को कंप्लीट करें। थर्ड पार्ट में आपने क्या लिया है, जिन बच्चों की मैथमेटिक्स पहले से अच्छी है और कह सकते हैं कि उनको चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, वो बच्चे इन पे ज्यादा टाइम दें। और अगर किसी बच्चे की भी मैथमेटिक्स या पहले से इन चैप्टर्स को लेकर एक्सपीरियंस डाउन है तो आप इन चीजों को पे ज्यादा टाइम खराब ना करें। इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपरली जो हमने पार्ट 3 में डिवाइड किया है, इसको हमने प्रोबेबिलिटी बेस्ड टॉपिक बनाया है। मतलब जब बच्चा रिविजन करे तो प्रोबेबिलिटी को कंबाइंड करके इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप करें। नेक्स्ट आते हैं, जब हम ये कंप्लीट कर लें, अगेन 4 to 5 आवर्स हमारे इसमें भी लगने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो आप इसको इफेक्टिव हर एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का करके जाएंगे।
फिर चलते हैं पार्ट फोर पे। पार्ट फोर अगेन वो बच्चे ज्यादा टाइम दें, जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जिन बच्चों का ट्वेल्थ में मैथ अच्छा रहा है और या आप कह सकते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग है, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे इस पे ज्यादा टाइम दें। अगर किसी के पास मैथ नहीं थी और फाउंडेशन में भी उतना अच्छे से उनको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसमें ज्यादा टाइम डिवोट ना करें। आपको जैसे पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे, सिर्फ उन्हीं को करके आप आगे मूव कर जाएं। सेट फंक्शन रिलेशन, अगेन ये सारे मैथमेटिकल टॉपिक है, अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है तो उनको करें। लास्ट में आते हैं हम पार्ट फाइव, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये पार्ट फाइव आप तकरीबन आधे घंटे एक घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे, और ऐसे शाम होते होते आपका मेजर पार्ट रिवीजन का हो चुका होगा। लास्ट में बचता है रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको रीजनिंग अच्छी ना लगती, और प्लस 20 मार्क्स इसमें आपके पक्के हैं अगर आपने इनको अच्छे से कवर अप किया हुआ है। बच्चे जो ज्यादातर गलती करते हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिशन बुक उठा के इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जिससे टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा अब, क्योंकि जितना रिवीजन प्रैक्टिस करनी तो आपने कर लिया, अब आपको सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बनना है। तो जो भी स्टडी मटेरियल में दिया है सर उस पे बेसिक फोकस करना है और सिर्फ उन्हीं को कंप्लीट करना है। आपके टॉपिक से कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जो बच्चे पुराना स्टडी मटेरियल गलती से पढ़ रहे हैं या दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके सिलेबस से नवंबर 21 से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं, तो गलती से भी इनको करके अपना टाइम खराब ना करें। मैथमेटिक्स से मैट्रिक्स आपका डिलीट हो गया, अपकमिंग एग्जाम में नहीं आएगा। रीजनिंग से आपके सिलोजियम हट गए हैं, और स्टैटिस्टिक्स से आपका टाइम सीरीज सिलेबस से डिलीट हो गया, अपकमिंग एग्जाम में ये नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हम गलती से अगर पुराना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं तो इसको इग्नोर करें। जैसे ही हमारा रीजनिंग पोर्शन खत्म हो जाए तो हम ऐसा, जैसे कल मंडे हमारा शाम तक एक इफेक्टिव रिविजन पूरा हो गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं इवनिंग में हमने रिविजन वन अपना पूरा कर लिया है, रिविजन वन। अब रिविजन वन करते वक्त आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके कुछ स्टार क्वेश्चन आए होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे एक बार में नहीं, थोड़ी दिक्कत हुई होगी। जब आप शाम को पढ़ने बैठे मंडे को ही इवनिंग में, तो 3 to 4 hours अगेन एक स्लॉट निकालें कि हम इसमें अपने सारे स्टार क्वेश्चंस को एक बार री कंटिन्यू करेंगे कि हम इनको दोबारा से सॉल्व कर लें, जिससे कि जो डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारा एग्जाम क्योंकि ट्यूजडे है, तो ट्यूजडे मॉर्निंग से लेके और आपका एग्जाम 2 बजे से होता है, इस बीच में जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, बस आपने अपनी जो भी रिवीजन किया है 1.5 days में उसको सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना है और अच्छे से देखना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एग्जाम को लेके वो ये है कि आपका पेपर सबसे पहले तो 2 घंटे का है, क्योंकि अभी तक आपने जो दोनों पेपर दिए और सब्जेक्टिव है तो उसमें 3-3 घंटे का टाइम रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में बैठा होता है टाइम कि अभी तो 3 घंटे हैं, तो पेपर ही हमारा 2 घंटे का है, उसमें हमारे पास 100 questions हैं जो हमें कवर अप करने हैं। जैसा हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने अपने पूरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, Part 1 and Part 2। जब आप पेपर कंप्लीट कर रहे हो तो लास्ट में जब आपके पास 20 मिनट्स बाकी रह जाए तो आप एक बार पूरे पेपर को टोटल कर लें कि अभी तक हमने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आप 70 to 80 questions तक पहुंच गए हैं और जो आपको लगता है 99% ठीक है, और आपने क्वेश्चन में 10 से 15 questions ऐसे हैं जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं, जो आपने अभी टिक नहीं किए, आपने सॉल्व किया डाउट लगा ड्रॉप कर दिया है, अगर आपने यहाँ पे चेक किया है कि 70 to 80 मेरे ठीक हो गए हैं, तो आपके पास चांस है रिस्क लेने का कि आप इस 10 to 15 questions में से मार्क कर सकते हैं। अगर आपने 10 to 15 questions में से कुछ गलती भी की तो भी आपका इससे रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी, अगर आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं कि आपके 50 से 55 ही क्वेश्चन ठीक हुए हैं और जो आपको लगता है बिल्कुल ठीक है इसमें नंबर नहीं कटेंगे, तो फिर आप रिस्क को अवॉइड करेंगे, फिर नहीं लेंगे कि हम इनको भी टिक लगा लें, फिर क्या होगा नेगेटिव मार्किंग हमारा ओवरऑल वो मिनिमम पे चला जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिस्क तभी लेना है जब हम एक लेवल को 70+ मार्किंग को अचीव कर लें। अगर हम 50 to 40 to 60 की रेंज में है और जो ज्यादातर एक्यूरेसी की तरफ है, फिर हम रिस्क नहीं लेंगे। तो आई होप ये बातें आपको थोड़ा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, और इन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला पहला पेपर है आपका, तो आपको बहुत ज्यादा इस पे ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।